उत्तर प्रदेश के मेरठ में शुक्रवार की सुबह सुबह तेंदुआ आने से दहशत फैल गई। पलोपुरम फेज टू के एक घर में तेंदुआ घुसने की सूचना पर पूरे कॉलोनी में हड़कंप मच गया है। लोगों ने आनन फानन वन विभाग और पुलिस को सूचना दी है। तेंदुआ की घेराबंदी की गई है, उसे पकड़ने के लिए मकान के बाहर जाल लगाया गया है। तेंदुआ जाल में फंसा भी, लेकिन करीब 10 मिनट तक उसमें उलझे रहने के बाद पुनः भाग निकला है। मिली जानकारी के अनुसार तेंदुए को सबसे पहले पल्लोपुरम फेज टू में एक घर के पास देखा गया है, जहां पर वो तकरीबन 8 से 10 फीट की ऊंची दीवार को कूद रहा था, यानी उसे पार करने की कोशिश कर रहा था। तेंदुए को देखकर डर के मारे घर के लोग बाहर भाग गए। अगल बगल के लोगों ने तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। उधर दीवार फांदने के बाद तेंदुआ मकान में जा घुसा है। थोड़ी देर में मौके पर पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने उसे पकड़ने की कोशिशें शुरू की थी। वन विभाग की मदद से पुलिस वहां पहुंच गई है, लेकिन अभी तक फाइनली पकड़ने में कोई मदद नहीं मिल पाई है। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने घर के बाहर जाल लगाया। तेंदुआ मकान के बालकनी की दीवार कूदकर जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की तो जाल में फंस गया, लेकिन 10 मिनट तक उलझे रहने के बाद पुनः वो छूट गया, यानी वहां से निकलकर भाग गया। तेंदुओं को अचानक भागते देख वहां पर मौजूद लोग घबराकर सड़क पर गिर गए। गनीमत रही कि तेंदुओं ने किसी पर हमला नहीं किया। जाल से भागने के बाद तेंदुआ डिवाइडर रोड के पास एक प्लाट की झाड़ियों में जाकर छिप गया है। वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने घेराबंदी कर ली है, लेकिन अभी भी तेंदुआ हाथ नहीं लगा है। भग गए निकल नहीं था, जाल पूरा थोड़ी पड़ा था उस पे। अरे इसके इंजेक्शन लगा रही क्या? निकल गया। खोल लो ढीला करो। शोर मत करो, बिल्कुल चुप रहो। थोड़ा ढीला कर देंगे, वो अपने आप करेंगे ना, आप मत बताओ। अरे अंदर हो जाओ यार। अच्छा, अरे मैं कह रहा हूँ चिल्लाओ मत, दिमाग खराब है तुम्हारा। हो गया फिर अंदर हो जाओ अंदर। अरे तो बहुत बेवकूफ है। अरे भैया ये तो बाहर आ गया, जल्दी आ जाओ। चले गए बाहर आ रहा है, हॉस्पिटल में बाहर निकल रहा है बाहर। अगर ये बाई चांस यहाँ आ जाए तो भागना मत, कोई भी सारे चुपचाप बैठ जाना चाहिए। और ये नहीं नहीं ये बैक साइड में नहीं जा रहा, ये अच्छी बात है। हाँ तुम्हें